दोस्तों, इस बात को तो आप बखूबी जानते हैं कि टीवी इंडस्ट्री में तमाम कलाकारों में से कुछ कलाकार हाईएस्ट टीआरपी शोज में काम करने के बाद भी मशहूर नहीं होते और ना ही उनकी किस्मत कुछ खास चमकती है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि छोटे पर्दे पर कुछ ऐसे भी सितारे हैं जिन्होंने हाईएस्ट टीआरपी वाले सीरियल में एंट्री करके रातों रात अपनी किस्मत चमकाई है। तो आइए जान लेते हैं उन्हीं सितारों के नाम जिनकी हाईएस्ट टीआरपी वाले शो में एंट्री होते ही किस्मत चमकी है। नंबर एक पर है मुग्धा चापेकर। टीवी के सबसे ज्यादा हाईएस्ट टीआरपी बटोरने वाले शो कुमकुम भाग में अभिनेत्री मुग्धा चापेकर ने प्राची बनकर एंट्री भी की थी, अपनी किस्मत भी चमकाई थी और ये आज भी इसी वर्ल्ड फेमस शो का एक अहम हिस्सा है। नंबर दो पर है रणदीप रॉय। वैसे तो अभिनेता रणदीप रॉय बहुत से शो में काम कर चुके हैं, मगर टीवी के सबसे कमाऊ शो बालिका वधू में लीप आने के बाद इन्होंने अच्छे खासे चलते हुए शो में आनंद बनकर एंट्री की है, जिससे अब ये सबके चहीते बन चुके हैं। नंबर तीन पर है करिश्मा सावंत। आपकी जानकारी के लिए बता दें, करिश्मा सावंत ने फर्स्ट डेब्यू ही टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में एंट्री पाके किया है और इस शो ने इनकी किस्मत ही नहीं चमकाई बल्कि इन्हें घर घर में आरोही के नाम से मशहूर भी किया है। नंबर चार पर है हर्षद चोपड़ा। छोटे पर्दे पर सबसे कामयाब शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिनेता हर्षद चोपड़ा के अभिमन्यु बनकर आने से ये शो भी बहुत अच्छा कमा रहा है और हर्षद चोपड़ा भी इस शो में काफी ज्यादा पैसे कमाने के साथ साथ फैन फॉलोइंग स्टारडम कमाने के चलते अपनी तरक्की और किस्मत को चमकता हुआ खुद से भी देख रहे हैं। नंबर पाँच पर है फहमान खान। स्टार प्लस के हाईएस्ट टीआरपी वाले इमली शो के बीच वाले ट्रैक में जब से अभिनेता फहमान खान ने आर्यन बनकर एंट्री मारी है, तब से लोग इन्हें कश्मीर महाजनी से ज्यादा भाव दे रहे हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि इसी वजह से ये दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। नंबर छह पर है गौरव खन्ना। पिछले 15 सालों से अभिनेता गौरव खन्ना किसी न किसी शो का हिस्सा रहे हैं, मगर अनुज कपाड़िया का किरदार तो इन्हें इतना फेमस कर गया है कि रातों रात इनकी किस्मत चमक गई है और लोग इन्हें अब अनुज कपाड़िया के किरदार में ही बहुत प्यार दे रहे हैं। नंबर सात पर है अनेरी वजानी। जब से अभिनेत्री अनेरी वजानी ने हाई टीआरपी वाले अनुपमा सीरियल में मालविका बनकर एंट्री मारी है, तब से इनका स्टारडम ही ऊपर नहीं गया है बल्कि इनकी फैन फॉलोइंग भी काफी अच्छा गेन हो गई है, जिसके चलते इससे इन्हें काफी कुछ मिला है। नंबर आठ पर है समृद्ध बावा। जी हाँ, टीवी के एटीएम मशीन शो बालिका वधू सीजन 2 में जिगर की भूमिका से घर घर में चमकने वाले अभिनेता समृद्ध बावा की भी किस्मत इस शो से चमकी है, जिसके चलते ही अब इन्हें ज्यादा ऑडियंस पहचान पा रही है। तो दोस्तों, क्या आप कभी यही मानना है कि इन सितारों ने अच्छे खासे शो में एंट्री पाकर ही अपनी किस्मत चमकाई है? आप अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।